बिलासपुर में चल रही तीसरी राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स के दूसरे दिन बिलासपुर जिला के नैना देवी विधायक क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वही रामलाल ठाकुर के लुहू मैदान में पहुंचते ही प्रदेश भर से पहुंचे मास्टर्स खिलाड़ियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। बिलासपुर में चल रही तीसरी राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स के दूसरे दिन बिलासपुर जिला के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वही रामलाल ठाकुर के लुहू मैदान में पहुंचते ही प्रदेश भर से पहुंचे मास्टर्स खिलाड़ियों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद हॉकी वॉलीबॉल सहित एथलीट से संबंधित विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को रामलाल ठाकुर ने मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। वहीं खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए रामलाल ठाकुर ने मास्टर गेम्स में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी और भविष्य में हिमाचल प्रदेश का नाम भारतवर्ष में चमकाने का भी आह्वान किया। इसके साथ ही रामलाल ठाकुर ने जहां जल थल वायु सहित तीनों तरह की गेमों से संबंधित सभी सुविधाएं बिलासपुर जिला में मौजूद होने की बात कही, तो 60 प्लस बुजुर्ग खिलाड़ियों के हुनर हौसले से युवा पीढ़ी को सीखने व नशे के बजाय खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करने की भी अपील की। आपको बता दें कि मास्टर गेम्स के दूसरे दिन चली प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल में जहां शिमला और सिरमौर की टीम ने फाइनल में जगह बनाई है, तो वही हॉकी वुमेन्स में बिलासपुर की टीम ने सोलन की टीम को 9-1 से हराया, जबकि मेंस में बिलासपुर की टीम ने सोलन को 11-1 की शिकस्त दी। वहीं एथलीट्स की बात की जाए तो मेंस में 100 से लेकर 1500 मीटर तक रेस में विभिन्न वर्गों में कुल हमीरपुर को 11, सोलन को 6, कांगड़ा को भी 6 और कुल्लू को 5, मंडी को 6, बिलासपुर को 7, सिरमौर को 2 और शिमला को 1 गोल्ड मेडल मिला, जबकि वुमेन्स वर्ग में बिलासपुर को सर्वाधिक 10, सोलन को 8, मंडी को 2, हमीरपुर को 1 और कुल्लू को 1 गोल्ड मेडल मिला। वहीं बिलासपुर की 90 वर्ष से ऊपर की खिलाड़ी रही बनती देवी और कांगड़ा के 85 वर्ष से ऊपर नाथ सिंह ने गोल्ड मेडल लेकर आज के युवाओं के लिए एक मिसाल बनने का काम किया है। जो प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं, इनमें सबसे बड़ा योगदान ये है कि जब हमारे नौजवान बुजुर्गों को देखेंगे कि स्पोर्ट्स में आज भी उनकी रुचि है और इतनी ज्यादा उम्र के बाद भी स्पोर्ट्स के माध्यम से तंदुरुस्त हैं, तो उनको भी कुछ करने का साहस आगे निकलेगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में रोज अखबारों में आ रहा है कि नौजवान बच्चे जो हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। नौजवान बच्चे कहीं पे नशाखोरी की तरफ को जा रहे हैं। ये सारा जो भी है जाल, ये हमारे एशिया में उन मुल्कों द्वारा, उन संस्थाओं द्वारा लाया जा रहा है कि हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं वो इस तरफ को जाएं और हम अपना अंत अपने हाथ में लेके मुल्क को तबाह करें। वही मास्टर गेम में भाग लेने पहुंचे प्रदेश भर के खिलाड़ियों के खाने पीने से लेकर मनोरंजन तक की खास सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, जिसके चलते जहां उन्हें तीनों वक्त का साफ सुथरा खाना उपलब्ध है, तो साथ ही कल्चर नाइट के माध्यम से लोक गीतों व नाटकों के जरिए खिलाड़ियों की थकावट को दूर कर एक मिलनसार माहौल भी प्रदान किया जा रहा है। सारा दिन हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों से सभी जिलों से आए खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, अपने खेल प्रतिभा को दिखाया। वहीं पर रात्रि में उनके अच्छे कार्यक्रमों को देखने का भी हमें मौका मिल रहा है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने का हमारा, जहाँ पर हिमाचल की जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ाने का भी हमारा ध्येय है, वहीं पर जो सारा दिन धूप खिलाती धूप में कलाकार हमारे खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया, वहाँ पर उन्हें रिलैक्स करने के लिए, उन्हें अच्छा फील करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें हर खिलाड़ी बड़ा इंजॉय कर रहा है।